News 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग से आ रही है, जहां RPSC ने 2018 की प्रशासनिक परीक्षा में बदलाव करने की घोषणा की है और इस बदलाव के तहत एक अन्य यूनिट को जोड़ा गया है जिसका नाम नीति शास्त्र दिया गया है और इस यूनिट में भगवद गीता और महात्मा गांधी के जीवन से प्रबंधन शिक्षण शामिल होगी। इसके साथ ही यूनिट में नेशनल आइकन, समाज सुधारक और प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन चरित्र भी शामिल किए जाएंगे, जबकि भगवद गीता में से कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए बातचीत के 18 अध्याय शामिल होंगे और सभी अध्यायों का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को 100% नंबर दिया जाएगा। और सरकार का ये तर्क है कि इससे उन्हें बतौर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने में आसानी होगी। और मिड डे की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन यात्रा को लेकर आ रही है। जी हां, पीएम मोदी आज से विदेश दौरे पर हैं और इस अवसर पर पीएम मोदी कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी मुलाकात करेंगे और 53 देशों वाले कॉमनवेल्थ सम्मेलन में भारत विभिन्न देशों के साथ समझौते भी कर सकते हैं। 2009 के बाद यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री कॉमनवेल्थ सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। और मिड डे की जो तीसरी खबर है वो दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल लगातार 4 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं और इस दौरान उनके हालात बिगड़ते हुए देख मेडिकल टीम जब उनके पास चेकअप के लिए पहुंची तो मालीवाल ने चेकअप कराने से इनकार कर दिया और पीएम मोदी को आरे हाथों लेते हुए कहा कि जिस प्रकार वे रातों रात नोटबंदी का आदेश दे देते हैं, क्या उसी प्रकार महिला सुरक्षा के लिए कोई कारगर आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने उन्नाव, कठुआ और अब सूरत में हुए महिलाओं और बच्चियों के साथ घिनौने हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने और आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो, इस बात को निश्चित करने के लिए सरकार से कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। और मिड डे की जो चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर है, जहां उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार उनसे इस्तीफा मांग भी नहीं रही है। विपक्ष खामखा हंगामा किए हुए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए, विरोध करने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 1998 के एक मामले में सिद्धू को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। और मिड डे की जो पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है, जहां कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने लोगों से कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राज्य में आए तो उनकी चप्पलों से पिटाई करें। वहीं बीजेपी ने गुंडू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए न केवल कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से माफी की मांग की है बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी जवाब मांगा है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गुंडू ने अपने बयान से माफी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि अगर उनका बयान आक्रामक है तो वह खेद जताते हैं लेकिन बीजेपी का विरोध जरूर करते रहेंगे। आपको बता दें कि दिनेश गुड्डू राव ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित उन्नाव मामले में कैंडल मार्च के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम अगर कर्नाटक आए तो उन्हें चप्पलों से पिटाई करो। और ये थी मिड डे की सबसे बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।